अखिलेश यादव फॉलो नहीं करते नेहरू जी की आइडियोलॉजी, मुलायम सिंह फॉलो नहीं करते थे, लालू प्रसाद यादव फॉलो नहीं करते, आप कह रहे हैं बीजेपी फॉलो करें, आप तो ना सर ना पैर, कैसे बोलिए। 1962 का चाइना से जब युद्ध हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू के उपस्थिति में सवाल पूछ रहे थे, और नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी तो सवाल पूछ ही रहे थे, कांग्रेस के मंत्री भी, नेहरू के मंत्री भी उनसे सवाल पूछ रहे थे, क्या ये झूठ है? और नेहरू बैठे हुए मुस्कुराते रहे और सारे बातों का जवाब देते थे, उन्होंने किसी को निष्कासित नहीं, आ रहा हूं गौरव जी बात खत्म हो जाने दीजिए, निष्कासित नहीं किया। दूसरी बात, बचपन में सबसे पहले आदमी साइकिल की सवारी करता है, फिर मोटरसाइकिल की सवारी करता है, फिर कार चलाना सीखता है, सबसे पहले गांव से निकल कर सबसे पहले सुन लीजिए, टूटी फूटी आप समझिए, सबसे पहले साइकिल की सवारी नहीं होती, संजय जी यू आर अगेन फैक्चुअली रॉन्ग, सबसे पहले दादा और दादी की कंधे की सवारी होती है, यू आर फैक्चुअली रॉन्ग। ओके गौरव बाड़िया जवाब दे रहे हैं, थैंक यू भाई, भारतीय संस्कृति से मत आप खिलवाड़ के, थैंक यू गौरव बाड़िया जवाब दे रहे हैं, गौरव बाड़िया जवाब दे रहे हैं। मैं बोलूं फिर जवाब ले लेना। अरे अनुराग जी आप उनके बाद बोलिएगा ना, आप अभी बोले थे आप, उसके बाद जवाब नहीं आया। गौरव बाड़िया जवाब दे रहे, फिर मैं आ रहा हूँ एंडिंग कमेंट्स के लिए, आ रहा हूँ फिर, थैंक यू। हाँ गौरव बाड़िया ये जवाब दे दे, फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूँ। देखिए जैसे सत्तारूढ़ पार्टी का एक कर्तव्य है, वैसे ही विपक्ष का भी एक कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि वो सकारात्मक आलोचना भी करे, सुझाव भी दे। लेकिन जो विपक्ष अब है राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये हर बात पे विरोध करने की राजनीति करता है, और इनके विरोध करने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है, हमने देखा अनुच्छेद 370 को संशोधित करना था तो वो करा हमने, इन्होंने विरोध किया हमने कर ली, क्योंकि वो देश हित में था, इसलिए इनका जो विरोध है इन पे भारी पड़ता है और जनता ने इनको नकारा है। दूसरी बात, संजय जी ने कहा नेहरू जी से सीखना चाहिए, नहीं भाई मैं माफी चाहूंगा, सम्मान करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री, सीख नहीं पाएंगे। वजह क्या है मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 370 सारी रियासतें जितनी थी उनकी जिम्मेदारी सरदार पटेल की थी, और सरदार पटेल ने 565 रियासतों को मिला दिया, कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी ने अपने पास रखी, गोपाल स्वामी अय्यंगर को दे दी, हमने देखा कश्मीर में क्या हो गया और उसको सुधारा नरेंद्र मोदी जी ने, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, 1962 का युद्ध हारे, भारत की भूमि चीन के पास चली गई, भारत रत्न हमने किसको दिया है आप बताइए, हमने कर्पूरी ठाकुर को दिया है, एम एस स्वामीनाथन को दिया है, पीवी नरसिम्हा राव को दिया है, चौधरी चरण सिंह को दिया है, जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने स्वयं को दिया, उन्होंने कहा मेरे गले पे टांगो मैंने निर्णय लिया है, ऐसी राजनीति नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। तीसरी बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमें एक बात समझनी होगी, पूरे देश का युवा और छात्र हमारी तरफ देखता है कि कार्रवाई क्या होगी, विपक्ष की तरफ देखता है ईश्वर जी कि इनके सुझाव क्या हैं, ये अपनी भूमिका कैसे निभा रहे हैं, और वो ठगा महसूस करता है कि राहुल गांधी जैसा प्रतिपक्ष का नेता है जो बचकानी हरकतें करता है, अपरिपक्व है और गंभीर भी नहीं है कि 5 लाइनें बोल सके और सुझाव दे सके और युवाओं के साथ एंडिंग कमेंट्स बाद में एंडिंग कमेंट्स अनुराग भदौरिया भारतीय जनता पार्टी कमाल की पार्टी है। क्या हो गया स्वामीनाथन को? तो पता है मुझे जी को ये यहाँ पे क्या भारत रत्न देंगे, लेकिन उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी एग्रीकल्चर की वो लागू नहीं करेंगे किसानों के लिए। कमाल है भाई, अच्छी बात आपने दिया था। इसी तरह चौधरी साहब को भारत रत्न देंगे। अभी एंडिंग कमेंट से गौरव जी एंडिंग कमेंट जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागती, सरकार लगातार अपनी जिम्मेदारी से भागती है क्योंकि पार्लियामेंट सरकार नहीं चला पा रही है। अयोध्या में अगर मंदिर में अगर वहां पानी टपकने लगा तो विपक्ष जिम्मेदार है, रोड धस गई तो विपक्ष जिम्मेदार है, बिल्कुल एनडीएमसी की फेलियर, यहाँ पानी भर गया तो विपक्ष जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं की भाषा की वजह से
उत्तर प्रदेश में बीजेपी 33 पे आ गई, हम तो 37 पे चले गए, तो इसके मतलब ऐसी भाषा बनाए रखिए। अभी 33 पे आए, अगली बार 3 पे आ जाओगे, हम तो कहेंगे ऐसे ही बने रहोगे जी सब लोग, और ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते रहो और बीजेपी को 3 पे ले आओ। उत्तर हर्षवर्धन जी एंडिंग कमेंट, प्लीज टू बोथ द पॉलिटिशियंस प्लीज, थैंक यू हर्षवर्धन जी, मैं आ रहा हूँ। गौरव जी लास्ट में आप जवाब देंगे। हर्षवर्धन जी एंडिंग, ऐश्वर्य जी मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है कि देश सरकार और विपक्ष यानी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के लिए थोड़ा आत्ममंथन का है। अगर विपक्ष को ये लगेगा कि उनके नंबर ज्यादा आ गए हैं, इसका मतलब वो हर वक्त आक्रामक जरूरत से ज्यादा रहेंगे। सड़क की आक्रामकता और संसद की आक्रामकता दोनों का फर्क होता है, जो लोग संसदीय राजनीति देखते जानते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। कभी कभी सदन के भीतर भी आक्रामकता बहुत जरूरी होती है और वो भी लोकतंत्र का हिस्सा होती है, लेकिन अगर आप नियमित तौर पर आक्रामकता ही करेंगे तो निश्चित तौर पर उसका संदेश जनता में गलत जाएगा। इस संतुलन को समझने वाले राजनीति में आगे जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनकी अपरिपक्वता जनता खारिज कर देती है। ओके, ओमकारेश्वर जी एंडिंग कमेंट। सर संजय जी को भी ले आइए प्लीज। ओमकारेश्वर जी, मैं समझता हूँ यहाँ मैं हर्षवर्धन जी की बात से सहमत हूँ थोड़ा सा, कि दोनों पक्षों के सामने इस समय जिम्मेवारी है, और ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के पास इस बात की बहुत जिम्मेवारी है कि वो ज़्यादा तैयारी के साथ आए, ज़्यादा रिसर्च करके आए और बेहतर दबाव बनाए, पहले से ज़्यादा। अनुराग जी सुन रहे हैं ना, जनता ने आपको ज़्यादा संख्या में भेजा है, इसीलिए कि आपके हर स्पीच में आपके हर रिसर्च में वो चीज़ें आनी चाहिए जहां सत्ता पक्ष लैग कर रहा है। यह तय है कि सत्ता पक्ष बहुत सारी चीजों में लैग कर रहा है, लेकिन आपको लैग नहीं करना है, आपको तथ्यात्मक तरीके से चीजों को उठाना है, और भाषा पर भी आपको नियंत्रण रखना है। उनको नियंत्रण खोने दीजिए, वो नियंत्रण खोएंगे तो जनता देख रही है और जनता उसका जवाब दे रही है। आज जो है देश के काफी बदले हैं, तो इसलिए जिम्मेवारी इस मामले में मैं कहूंगा कि विपक्ष पे बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आपको संसद में मुकाबला करना होगा सत्ता पक्ष। ओके संजय जी एंडिंग कमेंट, देन गौरव बड़े जवाब। ऐश्वर्य जी अच्छा से याद है कि मनमोहन सरकार में जीएसटी से लेकर आधार कार्ड तक जितनी भी चीजें आई, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सबका विरोध किया। आज आत्मसात किया है, जीएसटी भी लागू किया और आधार कार्ड भी। तो मैं समझता हूं कि विपक्ष का एक रोल है जिसे विरोध करना चाहिए, लेकिन सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। यदि उसके अंदर सच्चाई है, नीट का पेपर बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, यदि विपक्ष मांग करता है कि उस पर चर्चा होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को उदारता के साथ बड़ा दिल दिखाते हुए सबसे बड़ा दिल नहीं, उनकी भी जिम्मेदारी है। बड़ा दिल क्या, और जिम्मेदारी है, जनता ने वोट दी है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी, डिस्कशन होगा लेकिन अपने टाइम पे होगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सत्ता पक्ष की है नहीं कि विपक्ष की है। भारतीय जनता पार्टी 2014 पार्लियामेंट चलाने, अनुराग जी गौरव भाटिया आपका नाम नहीं है लास्ट टाइम राइट, अनुराग भदौरिया जी गौरव भाटिया एंडिंग कमेंट से प्लीज, थैंक यू। गौरव भाटिया जी बोलिए। ईश्वर जी ने एक बात उठाई, जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। और गौरव भाटिया जी बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका है सकारात्मक बात करे और तैयारी से आए जी, और उजागर करे कि सरकार गलत क्या कर रही है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी, थोड़ा तैयारी देखिए विपक्ष की। खड़गे जी ने आज संसद के पटल पे कहा, 7 साल में 70 बार लीक हुआ है नीट का पेपर जी, तथ्यात्मक तौर पे ये गलत है। गलत, मैं चुनौती देता हूँ कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, राहुल गांधी हो चाहे खड़गे जी हो, ये सिद्ध कर दे 7 साल में 70 बार लीक हुआ और ये टीवी पे चल रहा था। दूसरी बात ओंकारेश्वर जी, आप याद करिए, मैंने अभी आपको बताया मणिपुर पे चर्चा मांग रहे थे, और चर्चा किस रूल के अंडर हो ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है चर्चा हो। मणिपुर पे इन्होंने आरोप लगाए, हिंडनबर्ग पे आरोप लगाए, और जब प्रधानमंत्री जी के बोलने का समय आया तो राहुल गांधी सदन को छोड़ के चले। अब आप बताइए क्या ये जिम्मेदार विपक्ष कई पहचान है कि आप प्रधानमंत्री जी को सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री जी जवाब दे। ये दिखाता है कि ये लोग परिपक्व भी नहीं है। अनुराग जी सुनना भी सीखिए प्लीज, इसीलिए जनता इन्हें नकारती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ अनुराग जी, वो सुनते आपके लिए एक रियल टाइम एग्जाम्पल है। हर्षवर्धन जी आप तो सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, आज ये एक भैंसा बुग्गी पे बैठे, एक या एक बुलक कार्ट पे बैठे, जब मैं बता रहा हूं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा हुआ है आपके साथ, और ये रियलिटी में हो रहा है।
जब चलाना नहीं आता तो बैठना नहीं चाहिए, वो घूम गया था ना बोल, ऐसा नहीं, आप सुनिए मेरी बात, नाचना जाने आंगन टेढ़ा, प्रैक्टिस करके बैठा कीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं। ओमकारेश्वर जी लास्ट 5 सेकंड्स अंदर हम एंडिंग करें, ओमकारेश्वर जी लास्ट 5 सेकंड्स कुछ बोलना चाह रहे हैं, ओमकारेश्वर जी और हर्षवर्धन जी वो वीडियो जरूर देखिएगा, लास्ट में है उसका क्रक्स, लास्ट में ओमकारेश्वर जी। गौरव जी को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, आपने 2-3 बातें कही, एक थोड़ा जल्दी टाइम, नेहरू को नहीं मानते मत मानिए आप, श्यामा चरण मुखर्जी उनके कैबिनेट में रह चुके थे, वो मत मानिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम यहाँ तक आज तक पहुंचे हैं तो इसमें पिछली सभी सरकारों का योगदान है, उसको भी मत मानिए। आप 1962 के चीन को देखेंगे तो गलवान को लोग आज भी याद कर रहे हैं, आज भी हमारी सेनाएं, दोनों सेनाएं, देश की सेनाएं वहां डटी हुई हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसका जवाब सरकार को देना है, सरकार को देना है, विपक्ष को तैयारी करनी है, लेकिन यह नहीं भूलना है कि सत्ता में कौन है और विपक्ष में कौन है। सबसे बड़ी मेरे को मुद्दा यही लग रहा है हर्षवर्धन जी, विपक्ष ये साइकोलॉजिकल बोल बोलते हुए उसे प्रैक्टिकली लगने लग गया है कि एलओपी पीएम होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, ये ऐसा उन्हें सच में लगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।